फ्रेंड्स, कई बार ऑफिस के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि कुछ डेटा के ऊपर मुझे कुछ सेटिंग करनी है जिससे मेरे को उसके प्रिंटिंग जो है प्रॉपर निकाल पाऊँ, राइट। मेरे को उनके प्रिंटआउट निकालने हैं या कुछ रिपोर्ट बनानी है, उस रिपोर्ट के अंदर भी मेरे को उसको प्रॉपरली शो करने के लिए उसका कुछ पेज सेटअप, राइट, कुछ उसके मार्जन्स, उसके हेडिंग्स, राइट, बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स मेरे को उसकी ठीक करनी होती है, सो डेट या तो मेरे को उसका प्रिंट निकालना है या रिपोर्ट वैसे उसकी बनानी है या PDF क्रिएट करना है तो वो प्रॉपरली मेरा क्रिएट हो पाए, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यही सारा कुछ देखने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज CM विजन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रिंटिंग एंड पेज सेटअप से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस एक्सेल के अंदर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम का होने वाला है। 5 वीडियो की फ्रेंड्स हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, ये 5th वीडियो है, राइट। 4 वीडियो ऑलरेडी हम लोग पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर फ्रेंड्स आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से आप मेरे प्रीवियस वीडियोज भी देख सकते हैं। आप लोगों ने रिसेंटली कॉर्पोरेट ज्वाइन किया या ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये 5 वीडियो की सीरीज आपके काफी काम की होने वाली है, तो प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों तक रियल टाइम पहुंच पाए। डेटा फ्रेंड्स आप लोगों के सामने है। यहाँ फ्रेंड्स एक डेटा है मेरे पास, इसका मेरे को सपोज प्रिंट निकालना है, राइट। प्रिंट निकालना है, बट प्रिंट निकालने से पहले मैं बहुत सारे पेज सेटअप से रिलेटेड ऑप्शंस करना चाहता हूँ, पेज की सेटिंग ठीक करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऊपर एक ऑप्शन होता है पेज लेआउट का, राइट। पेज लेआउट के अंदर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वो मैं आज आपको दिखा दूंगा। सबसे पहला है फ्रेंड्स मार्जिन, आपको पेज के मार्जिन सेट करने हैं कि जब मेरा प्रिंट निकलेगा तो उसमें टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे कितना कितना मार्जिन रहेगा, राइट। तो अभी फ्रेंड्स मैं देखूंगा, मैंने कंट्रोल पी, एक शॉर्टकट की मैंने यूज किया, कंट्रोल पी बेसिकली प्रिंट के लिए है, राइट। तो मैंने कंट्रोल पी यूज किया तो आप देखेंगे मेरे को ये दिखाता है इस तरह के, ऊपर आप देखेंगे टॉप पे कितना मार्जिन है, मेरे लेफ्ट पे कितना मार्जिन आ रहा है वो आपको दिखा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर अगर मैं मार्जिन के अंदर जाऊंगा और मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको वाइट कर दिया, वाइट। जैसे मैंने वाइट किया फ्रेंड्स, अब मैं कंट्रोल पी करूंगा तो आप देखेंगे मार्जिन इसने बढ़ा दिए, थोड़ा सा इसने फर्क किया है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं दोबारा से इस पे मार्जिन में जाके इसको नैरो कर देता हूं, मैंने नैरो किया कंट्रोल पी, आप देखेंगे फ्रेंड्स लेफ्ट का इसने मार्जिन बिल्कुल खत्म कर दिया। तो आप जो मार्जिन इसमें रखना चाहें रख सकते हैं। आप कहते हैं मेरे को अपने हिसाब से मार्जिन डिसाइड करना है तो आप कस्टम मार्जिन के अंदर जा सकते हैं। कस्टम मार्जिन के अंदर फ्रेंड्स आप जाएंगे, यहां पर मार्जिन में आपको पूछेगा ये टॉप पे कितना रखना है, बॉटम पे कितना मार्जिन चाहिए, लेफ्ट पे, राइट पे, तो आप यहां से कस्टम मार्जिन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, राइट। मैं इसको ओके कर देता हूं। देन मार्जिन के बाद फ्रेंड्स बात करते हैं ओरिएंटेशन, मेरे को पेज जो रखना है वो पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। मैं प्रिंट जो पोर्ट्रेट पे निकालना चाहता हूँ तो मैं पोर्ट्रेट सेट करूंगा, अगर मेरे को लैंडस्केप, मेरा डेटा जो है वो विड्थ उसकी ज़्यादा है तो नॉर्मली मैं लैंडस्केप पे निकालता हूँ, लेकिन अगर विड्थ उसकी ज़्यादा नहीं है, पोर्ट्रेट लंबे पेज पे सेलेक्ट अगर मेरा इजीली आ सकता है तो मैं पोर्ट्रेट सेलेक्ट करता हूँ, राइट। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, अभी आप कंट्रोल पी मैंने किया था वो पोर्ट्रेट था, अभी मैंने लैंडस्केप सेलेक्ट कर लिया, मैं कंट्रोल पी करूंगा फ्रेंड्स, राइट। तो आप देखेंगे पेज मेरा चौड़ा, राइट हैंड साइड पर बहुत सारा स्पेस क्रिएट हो गया, राइट। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस से इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ। पेज का साइज, किस पेज के साइज पे आपको प्रिंट निकालना है, लेटर, राइट, लीगल, A4, नॉर्मली हम लोग A4 यूज करते हैं, बट अगर आपके केस में और कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहां से पेपर का साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। मोर पेपर साइज में जाएंगे तो यहां से आपको ये और भी पेपर के साइज दिखा देगा, राइट। यहां से आप पेपर के साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। कैंसिल कर देते हैं इसको। देन फ्रेंड्स बात करते हैं प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। प्रिंट एरिया ये है फ्रेंड्स कि सपोज फ्रेंड्स मेरे पास बहुत बड़ा ये डेटा है बट मेरे को इस सारे का प्रिंट नहीं निकालना, राइट। मेरे को प्रिंट जरूरी नहीं है कि आप पेपर प्रिंट निकालें, प्रिंट मतलब PDF भी अगर आपको प्रिंट करना है, एक PDF फाइल जनरेट करनी है, राइट, उन सब में ये सारे फंक्शन काम आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, चाहे आप नॉर्मल पेपर प्रिंट निकालो या PDF जनरेट करो, राइट, सब में ये सारे फंक्शन काम आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर एरिया का प्रिंट निकले, जैसे मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया इतना, बस इतने एरिया का मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ। कहाँ तक, मैं A2 से लेकर मैं E14 या E15 तक का मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ, A2 से E15 तक का प्रिंट लेना चाहता हूँ। मेरे को इस डेटा को सेलेक्ट करना है और प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया करना है, सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया करने से क्या होगा फ्रेंड्स, मैंने कंट्रोल पी किया तो आप देखेंगे फ्रेंड्स वो छोटा सा एरिया जो मैंने प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया था बस वही दिखाएगा। तो मेन फ्रेंड्स आपके डेटा में तो पूरा डेटा है लेकिन प्रिंट इसका निकलेगा। आपको प्रिंट एरिया नहीं चाहिए, आप प्रिंट एरिया में जाके क्लियर प्रिंट एरिया कर सकते हैं। मैंने क्लियर प्रिंट एरिया किया, कंट्रोल पी किया, अब ये सबका प्रिंट दिखा रहा है, ठीक है जी। तो आप प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं प्रिंट एरिया के थ्रू, राइट। देन बात करते हैं फ्रेंड्स प्रिंट टाइल्स के बारे में। प्रिंट टाइल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। क्या है फ्रेंड्स, डेटा के अंदर एक बार चलते हैं, कंट्रोल पी करता हूं, आप देखेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर मेरे मल्टीपल पेजेस है प्रिंट में। इसके अंदर फ्रेंड्स मैं पहले पेज पर देखता हूं, ऊपर मेरे हेडिंग आ रहे हैं, हेडिंग आ रहे हैं मंथ फाइनेंशियल लोकेशन।
बस मैं जब नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो मेरे हेडिंग चले जाते हैं, क्योंकि मेरे पेज में हेडिंग सबसे ऊपर थे। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स जब मैं प्रिंट निकालूँ तो मेरा हेडिंग जो है ना हर पेज पे टॉप पे आ जाए, हर पेज पे, क्योंकि इस पेज पे मुझे पता नहीं चल पा रहा है कौन से आइटम का हेडिंग क्या है, कौन सा आइटम किससे रिलेटेड है, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। तो मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, मुझे प्रिंट टाइल्स के अंदर जाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन देखिए, रो टू रिपीट एट टॉप एंड कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। आप लेफ्ट में कोई कॉलम रिपीट कराना चाहते हैं, आपका डेटा की विड्थ ज़्यादा है, मल्टीपल पेजेस पे आए तो पहला जो कॉलम है वो हर एक में प्रिंट हो जाए आप ये चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर रो हर पेज पे प्रिंट हो जाए, तो मैं ये वाला आपको सैंपल दिखा देता हूँ, रो टू रिपीट एट टॉप। तो मैंने बोला जी ये रो नंबर टू, मैंने इसको सिलेक्ट किया टू टू टू। अगर आपके ऊपर कहीं कुछ हेडिंग भी लिखा है, मान लो कॉल आपका जो ए है ए वन, यहाँ पर कुछ आपका है इसके रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो आप दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, ए वन और ए टू, ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, तो वन टू टू दोनों रो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, मैंने ओके किया, इससे फर्क क्या पड़ा फ्रेंड्स, मैं कंट्रोल पी करूँगा, कंट्रोल पी मैंने किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा हेडिंग आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे गया यहाँ पर भी मेरा हेडिंग आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे गया फ्रेंड्स जितने पेजेस पे मैं आगे जाता हूँ मेरा हेडिंग रिपीट होगा। तो जहाँ पर फ्रेंड्स मेरे को मल्टीपल पेजेस का प्रिंट निकालना है, पीडीएफ निकालना है, वहाँ पर ये फंक्शन मेरे बहुत काम आता है, राइट फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर होता है ग्रिड लाइन हेडिंग से रिलेटेड, ये फ्रेंड्स मैं आपको व्यू के अंदर लेके चलता हूँ एक बार, व्यू में भी ये आता है तो व्यू में जाके आपको दिखा देता हूँ। व्यू के अंदर फ्रेंड्स मेरे पास ऑप्शन आता है ग्रिड लाइंस का, ये ग्रिड लाइन ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट हर सेल के बॉक्स बने होते हैं, हर सेल के बॉक्स बने होते हैं। मैं चाहता हूँ ये बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, मेरे को रिपोर्ट प्लेन दिखानी है, ये बॉक्स नहीं चाहिए, जहां पर मुझे बॉक्स बनाने हैं मैंने बना दिए, बाकी मुझे बॉक्स नहीं देखने। मैं ग्रिड लाइन को रिमूव कर सकता हूँ, ये आप देखेंगे यहाँ ग्रिड लाइन थी वो रिमूव हो गई, मेरे को वापस चाहिए, मैं ग्रिड लाइन पे टिक कर देता हूँ। फॉर्मूला बार, मुझे रिपोर्ट जो दिखानी है मैक्सिमम एरिया पे दिखानी है, राइट, मुझे इस रिपोर्ट को किसी को प्रेजेंट करना है, यहाँ पर प्रिंट ही निकालना बट इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स ये जो स्पेस है मैक्सिमम स्पेस मुझे मिल जाए, तो व्यू के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, व्यू के अंदर मैं इस फॉर्मूला बार को हटा सकता हूँ, ये फॉर्मूला बार चला गया। मैं हेडिंग्स को हटाना चाहता हूँ, ये हेडिंग को भी हटा दिया फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ ये ऊपर जो मेन्यू बना हुआ आ रहा है इसको भी हटा दूँ, तो फ्रेंड्स ये एरो बना हुआ आ रहा है यहाँ से मैं केवल फुल स्क्रीन मोड या शो टैब करूँगा तो ये पूरा एरिया मेरे को ऊपर तक का दिखा देगा, राइट, फुल स्क्रीन मोड या फिर मैं शो टैब्स ऑनली, इन दोनों को आप यूज़ ट्राई करके देखिए। जब मैं दिखा देता हूँ ये फुल स्क्रीन मोड पे, पूरी स्क्रीन पे आपको डेटा दिखा रहा है, राइट। एक्सेल के काफ़ी जो पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं हो सकता है उनमें आपको ये फंक्शन नजर ना आए, बट लेटेस्ट जितने भी फीचर्स हैं, लेटेस्ट जितने भी फंक्शन है उसमें ये वाला फंक्शन आपको मिल जाएगा, राइट। वापस फ्रेंड्स इसको ले आते हैं, राइट, तो मेरे पास सारा डेटा आ गया, मेरे को फॉर्मूला बार वापस ले लेता हूँ, हेडिंग भी मैं वापस ले आता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ पेज व्यू से रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि ये नॉर्मल व्यू, राइट, व्यू के अंदर ही नॉर्मल व्यू है जिसमें नॉर्मली मेरे को डेटा दिखता है। पेज ब्रेक व्यू, मैं अगर प्रिंट निकालूंगा तो मेरे पेज ब्रेक कैसे आएंगे, जैसे मैं पेज ब्रेक व्यू पे गया तो आप देखेंगे मेरा डेटा कैसे आएगा, पेज वन में मेरा ये डेटा आएगा लिखा हुआ आ रहा है, ये लाइन आ गई, ब्रेक आ गया, राइट। इसमें पेज टू पे मेरा, तो मेरे को पता चल रहा है अगर मैं इसका प्रिंट निकालूं तो यहाँ तक का डेटा मेरा पेज वन पे जाएगा, ये डेटा जो ब्लू लाइन आ रही है यहाँ तक का डेटा मेरा पेज टू पे जाएगा। तो हर पेज के बाद ये एक पेज ब्रेक बताएगा, आपको इस पेज ब्रेक को एडजस्ट करना है, ये जब इस तरह का एरो आएगा, राइट, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ, ये जो बड़ा एरो आएगा ऐसा दो साइड वाला एरो आएगा, आप इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ तक की लाइन जो है ऊपर वाले पेज पे आए तो आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं, मैनुअली आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो अब आपका यहाँ तक का डेटा ऊपर वाले पेज में आएगा, यहाँ तक का डेटा नीचे वाले पेज में, राइट। तो इस तरह से आप पेज भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स मेरे को सपोज इसका प्रिंट निकालना है, मैं कंट्रोल पी करूँगा, कंट्रोल पी, यहाँ पर मेरे को फ्रेंड्स प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, राइट, यहाँ मेरे को पीडीएफ दिखा रहा है। आप कहते हैं मेरे को प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, तो आपने जो प्रिंटर ऐड किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा आपको प्रिंट निकालना है, आप वो प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं, या प्रिंट टू पीडीएफ करेंगे तो इसकी ये पीडीएफ सेव कर देगा। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपसे पूछेगा जी किस लोकेशन पे सेव कराना है मेरे को, उस लोकेशन पे फाइल नेम जो आप बताएंगे उस नाम से उसको सेव कर देगा, राइट। तो इसको ट्राई कीजिएगा। प्रिंट आपको सारी शीट का नहीं निकालना, आपको क्या करना है, प्रिंट एक्टिव शीट्स, इसकी जगह आपको करना है प्रिंट एंटायर वर्कबुक। आप चाहते हैं मेरी इस फाइल के अंदर 5 शीट हैं 6 शीट हैं, सारी शीट के एक साथ प्रिंट बन जाए, चाहे पीडीएफ बनाना है या पेपर पे प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ पर प्रिंट एंटायर वर्कबुक भी कर सकते हैं। प्रिंट सिलेक्शन, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया, राइट, जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया, सपोज मैंने इतना डेटा सेलेक्ट किया, केवल इतना डेटा सेलेक्ट किया, मैं प्रिंट में गया, कंट्रोल पी मैंने प्रेस किया,
प्रिंट, और मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट सिलेक्शन। तो आप देखेंगे जो मैं सिलेक्ट करके आया था केवल उतने डेटा का प्रिंट निकालेगा। ठीक है जी, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं प्रिंट एंटायर वर्कबुक कर देता हूँ या प्रिंट एक्टिव शीट्स कर देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं पेजेस के भी प्रिंट निकाल सकता हूँ, मतलब मेरे को प्रिंट जो कराने हैं वो पेज नंबर 1 to 4 कराना है। इस शीट में मेरे सपोज ज़्यादा शीट है, राइट, ज़्यादा पेजेस है, मेरे को 1 to 10, 1 to 5, 1 to 6 या केवल एक ही पेज का प्रिंट निकालना है, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, ये उसका प्रिंट निकालेगा, राइट। यहाँ पर मेरे को ओरिएंटेशन चेंज करना है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप मैं अंदर पेज सेटअप पे मैंने किया था, लेआउट के अंदर वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी। पेपर का साइज सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर आप जो करेंगे वो आपको बार बार करना पड़ेगा, लेकिन अगर पेज लेआउट जो मैंने पहले बताया वहाँ से अगर आप कर देंगे तो वो वन टाइम सेटिंग होती है, वो आपकी हमेशा के लिए वैसे ही रहेगी जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे, और हमेशा के लिए जो रहेगी वो केवल इस फाइल में रहेगी, हर फाइल में, पूरे एक्सेल में नहीं होगी, इस फाइल के अंदर जहां पर आपने इसको चेंज किया, जिस शीट में आपने इसको चेंज किया उस शीट में आपकी ये सेटिंग एज इट इज रहेगी, राइट। तो वन टाइम करनी है यहां से कर सकते हैं, परमानेंट करनी है आप अंदर पेज लेआउट से कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे प्रिंटिंग एंड पेज सेटअप से रिलेटेड, राइट। आई होप फ्रेंड्स आपके काफी काम के होंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।